हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं कुछ डिफरेंट बना रही हूँ। ये है बुद्धा जी का स्ट्रक्चर और इसको मैंने बना लिया था कल रात में। और इसमें अब मिट्टी को मैं पॉलिश कर रही हूँ पानी और ब्रश से, जो इनकी आईज है, लिप्स हैं, नोज़ है, इस जगह अच्छे से ये पॉलिश हो जाएगा। हम पानी से कर देंगे, नहीं तो खुदरा खुदरा होता है। देखिए कितने अच्छे से पॉलिश हो गया है। फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ बुद्धा बनाने में। अब आप बताइएगा कैसे बने हैं। और इनको मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये मुझे थोड़े सिंपल लगे बनाने में। और भी स्ट्रक्चर मैंने सोचे थे पर ये मुझे सबसे सिंपल लग रहे थे और मैंने सोचा कि कुछ न्यू ट्राई करें, खुद से बनाएंगे तो कुछ अलग लगेगा कि हाँ कभी भी देखूंगी तो लगेगा कि मैंने बनाया है। इसलिए मैंने ये सूख गया है, अब मैं इनको कलर कर रही हूँ। ब्लैक कलर करूँगी और ऊपर थोड़ा इनके हेयर को हम गोल्डन लुक देंगे। और जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ ये एक्रेलिक कलर हैं और ये आपको मिल जाएंगे नॉर्मल शॉप में। ये कलर मतलब छूटते नहीं हैं, अच्छे से शाइनिंग होते हैं, शाइनिंग होती है इनमें और सुंदर लगते हैं। और इस बार तो मैंने पहले से ही बना के रख लिया था, उसका मैंने वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ट्राई करूँगी तो उसको मैं बनाते हुए ज़रूर बनाऊँगी आपको दिखाने के लिए वीडियो और आपसे शेयर करूँगी। पेशेंस के साथ कलर करिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें हमें बनाने में, फिर उसके बाद उसको सूखने के लिए और फिर उसके बाद कलर करने के लिए। इसलिए आप थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ करिए जैसे मैं कर रही हूँ और आपका बन जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। और देखते हैं हमारा बनने में कैसा लगता है। लास्ट लुक मैं आपको दिखाऊँगी, इसलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लास्ट लुक देख सकेंगे अच्छे से। अगर आपको बनाना हो तो आप क्लेक ख़रीद भी सकते हो ऑनलाइन, या फिर जो चिकनी मिट्टी होती है उससे बना सकते हो। बस उसमें थोड़ा सा हम ग्लू मिला देंगे तो वो मतलब सूखेगी तो उसमें दरारें नहीं आएंगी। मैंने ट्राई किया था ऐसे ही क्योंकि इसके पहले मैंने कुछ छोटा सा बनाया था तो सूखने के बाद थोड़ी जो दरारें आती हैं फिर हमें मिट्टी लगा के फिल करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा फेविकोल मिला लेंगे उस मिट्टी में तो अच्छे से चिपक जाएगी। और देखिए ब्लैक कलर कंप्लीट हो गया है धीरे धीरे। अब इसमें मैं थोड़ा गोल्डन शाइनिंग दे रही हूँ। इसमें लिक्विड और थोड़ा गोल्डन कलर दोनों हमको मिक्स करके लगाना पड़ेगा। खरीदेंगे तो दोनों आपको साथ में मिलेंगे। और इनके बालों में हम गोल्डन शाइन करेंगे और फिर उसके बाद इनके लिप्स को और इनकी बिंदी को कलर करेंगे।
तो इनका फाइनल लुक कंप्लीट हो गया है। मैंने इन्हें अपने लॉन में सजाया हुआ है, आप कहीं भी सजा सकते हो। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, थैंक यू सो मच। कमेंट भी करिए कैसा लगा आपको, और आप भी ट्राई करिएगा।